हेलो गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा LLB में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर देना। आइए हम चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304A के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि उपेक्षा द्वारा कारित मृत्यु, अर्थात जो कोई उतावलेपन या किसी उपेक्षा पूर्ण से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानवत की कोटि में नहीं आता है, तो उसे 2 वर्ष के कारावास से एवं जुर्माने से दंडित किया जाता है। जैसे मोटर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे धारा 304A के अंतर्गत माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दुश्मनी के कारण अपना मोटरसाइकिल किसी के ऊपर ठोक देता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है और वह साबित कर देता है कि दुश्मनी के कारण उस व्यक्ति को मारा गया है, तो उसे धारा 304A के अंतर्गत न मानकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत माना जाए। परंतु यदि रास्ते में चलते हुए किसी गाड़ी की अचानक टायर फट जाती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे धारा 304A के अंतर्गत दोष सिद्धि नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह घटना अचानक हुआ है। जैसे रत्ना सलमान बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि धारा 304 का के उपबंध उन प्रकरणों में लागू होते हैं जिसमें अभियुक्त का आशय न तो मृत्यु कारित करने का था और न ही उसे ज्ञान था कि वह मृत्यु कारित करेगा। अतः स्पष्ट है कि यह उन कृत्यों के प्रति लागू होती है जो उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण कारित की गई हो। प्रस्तुत वाद में निर्णय के पुनरीक्षण की मांग करने वाले अभियुक्त द्वारा मोटर यान चलाते समय उतावलेपन तथा लापरवाही के कारण मोटर यान एक पेड़ से टकरा जाती है और उसमें सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है एवं 3 अन्य व्यक्ति घायल हो जाते हैं। इसमें प्रत्यक्षदर्शी अर्थात चश्मदीद गवाहों के मुताबिक दुर्घटना का एकमात्र कारण यह था कि मोटर यान को तीव्र गति से चलाया जाना, जबकि सड़क काफ़ी चौड़ी थी और उसमें अन्य कोई यातायात नहीं था। अतः अभियुक्त को धारा 304A एवं 337 के अधीन दोष सिद्धि को उचित माना गया एवं 6 माह के कारावास तथा 300 रुपये जुर्माने को उचित माना गया।